नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से फीस को लेकर तालाबंदी किया गया है और ये तालाबंदी फीस माफ को लेकर किया जा रहा है। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज तालाबंदी किया गया। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इस कोरोना महामारी के बीच बहुत से छात्रों को डिग्री और प्रोविजनल का फीस देने में बहुत कठिनाई हो रही है, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से डिग्री और प्रोविजनल की फीस माफ करने को बोला जा रहा है। क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को ये बोला गया था कि किसी भी छात्र छात्राओं से किसी भी तरह का फीस नहीं लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। अभी मुख्य मुद्दा ये है कि अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ में डिग्री का और प्रोविजनल दोनों का पैसा लिया जा रहा है। तो सर, अभी कोविड महामारी के बीच में अभी जहाँ पे बच्चों को पैसे की भी आवश्यकता है और इतना किल्लत है पैसे की, वैसे समय में आप अगर प्रोविजनल और डिग्री का पैसा लेते हैं, जबकि अभी आप ना प्रोविजनल दीजिएगा ना डिग्री दीजिएगा, ये तो सब 2 साल बाद मिलेगा सर। जब तक कन्वोकेशन नहीं हो तब तक आप प्रोविजनल और डिग्री नहीं दे सकते, तो अभी उनका पैसा लेना कहीं से जायज़ नहीं है। इस संदर्भ में कुलपति महोदय से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा 750 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन सर ये अमाउंट बड़ा तब होता है जब 750 रुपये 40,000 छात्रों से लिया जाता है। अमाउंट 3 करोड़ का हो जाता है और इसको 2 साल तक विश्वविद्यालय रखेगी, इंटरेस्ट 36 लाख रुपये होगा। सर उससे उन छात्रों को क्या फ़ायदा मिलेगा जिन लोगों ने यह पैसा दिया है। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को प्रोविजनल और डिग्री की जरूरत है वो बच्चे आएंगे अपना पैसा जमा करके प्रोविजनल और डिग्री लेके जाएंगे। ऐसे सारे बच्चों को प्रोविजनल और डिग्री की जरूरत नहीं होती है, फिर भी सब बच्चों से पैसा लेना शोषण है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैसे सारे चीज़ों का पैसा न लिया जाए विश्वविद्यालय या स्कूल या किसी में भी जिसकी जरूरत न हो, केवल ट्यूशन का फी लिया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन केवल छात्रों का शोषण कर रहा है और दोहन करने का काम कर रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यह कहना है कि जो मांगे हैं वो जायज नहीं है। तो सर आप ही हमको बताइए कि जायज कैसे नहीं है। अगर अभी हमने सर लॉ की पढ़ाई की है, यहाँ से हम लॉ के पास आउट स्टूडेंट है, 1 साल हो गया पास किए हुए, क्या अभी हमको विश्वविद्यालय प्रशासन डिग्री दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता जब तक कन्वोकेशन नहीं होगा। 2 साल पहले डिग्री और प्रोविजनल का पैसा लेना कहीं से जायज नहीं है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनको हमको अगर हम पास हो जाते हैं हमारा डिग्री कुरियर नहीं पड़ेंगे, तो बच्चे पैसा पहले क्यों सर? ये हमारी मांग है।